नमस्कार, आप देख रहे हैं रिपब्लिकन न्यूज। ब्रजेश कुमार के साथ हमारी मौजूदगी जदयू के प्रदेश कार्यालय के पास है। आपको बता दें कि जिस तरह से आज शिक्षक दिवस है, शिक्षक दिवस के मौके पर बिहार के वित्त रहित शिक्षक जो है पहुंचे जदयू कार्यालय। जदयू कार्यालय पहुंचने के बाद उन लोग कटोरा लेकर के भीख मांगना शुरू कर दिया। लेकिन आपको बता दें कि जिस तरह से तस्वीरों में देख रहे हैं कि किस तरह से जो है वित्त रहित शिक्षक और शिक्षिका जो है दोनों कटोरा लेकर के ही भीख मांग रहे हैं जदयू प्रदेश कार्यालय के पास। आपको बता दें कि जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने वित्त रहित को कहा था कि अभी आप वित्त रहित अनुदान आपको दिया जाएगा, फिर जो है वेतनमान किया जाएगा, लेकिन अभी तक जो है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 2010 से लेकर के 24 आ गई, अभी तक जो है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कोई भी पहल जो है वित्त रहित शिक्षक पर नहीं किया है। आपको बता दें कि जिस तरह से बिहार में लगभग 1500 के तकरीबन जो है विद्यालय है। आपको बता दें कि सबसे पहले जो है हाई स्कूल 700 है, इंटर कॉलेज जो है 600 है, डिग्री कॉलेज जो है 250 है। किसी का भी जो है अनुदान अभी तक जो है नहीं गया है, लेकिन कभी कभी किसी को अनुदान मिलता है तो किसी को अनुदान रोक दिया जाता है। आपको बता दें कि जिस तरह से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा था कि अगर मेरी सरकार पूरी तरह बनती है तो आप लोग का जो है परमानेंट कर दिया जाएगा, लेकिन अभी तक जो है परमानेंट नहीं किया गया है। मुख्यमंत्री लगभग 19 साल से जो है बिहार के कुर्सी पर विराजमान है, लेकिन जिस तरह से जो है वित्त रहित शिक्षक लगातार सड़क पर भटक रहे हैं, कभी गर्दनी बाग जाते हैं, कभी जदयू कार्यालय आते हैं। आपको बता दें कि कई दिन पहले जो है बीजेपी के वरिष्ठ नेता नवल किशोर यादव के आवास पर गए, वहाँ भी जो है डेरा डालो घेरा डालो के जो है नारा लगा रहे थे, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से गुहार लगाने की जो है बातें कर रहे थे, लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अभी तक जो है इन पर पहल नहीं किया है। साफ तौर पर देखा जा रहा है कि किस तरह से कटोरा लेकर के भीख मांग रहे हैं, लेकिन कई लोग का जो है 2010 से भी अनुदान नहीं मिला है। लेकिन एक तरफ जो है इंटर काउंसिल जो कहा जाता है कि वहाँ सबसे पहले इंटर का रिजल्ट मैट्रिक का रिजल्ट हम देते हैं, तो वो पूरी तरह से जो है वित्त रहित शिक्षक का ही देन है, क्योंकि जिस तरह से ये लोग एग्ज़ाम लेते हैं और सरकारी कामों में जो है वित्त रहित शिक्षक का जो है पूरी तरह से किया जाता है। तो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के मन में जो है दोहरे नीति चल रही है कि एक तरफ जो है वित्त रहित शिक्षक की जो है सौतेलापन कर रहे हैं, तो वहीं जो है हाई स्कूल के जो टीचर हैं उनको परमानेंट कर दिया गया है। लेकिन साफ तौर पर देखा जा रहा है कि अब जो इन लोग का कोई सुनने वाला नहीं है, क्योंकि लगातार जो है इन लोग के पूरी तरह से ये कहा जा रहा है कि आप लोग के कर दिया जाएगा। लेकिन देखने की बात यह है कि क्या मुख्यमंत्री की नज़र जो है वित्त रहित शिक्षक पर कब खुलती है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पहले भी कहते थे कि हम आ गए हैं, सब कुछ ठीक कर देंगे वित्त रहित को, लेकिन आज जो है कई जो ऐसे कॉलेज हैं, डिग्री कॉलेज हैं, कई इंटर कॉलेज हैं जिनको 2010 से पेमेंट नहीं हुआ है, और लगातार जो है उनसे सरकारी काम लिया जाता है, चुनाव में भी उनको दिया जाता है। इतना तक ही नहीं, जो मैट्रिक इंटर का रिजल्ट आता है सबसे पहले जो है इंटर कॉलेज से ही, डिग्री कॉलेज से ही, और जो हाई स्कूल चल रही है उससे भी दिया जाता है, लेकिन इन लोग का अभी तक वेतनमान नहीं किया गया है। देखिए नीतीश कुमार का वेतनमान करते हैं, क्योंकि ये लोग जो है कटोरा लेकर भीख तो मांग ही रहे हैं। कॉलेज का भी ऐसा हाल है कि वहाँ पे शिक्षक जाते हैं, बच्चे भी जाते हैं, पास भी होते हैं, लेकिन उनका वेतन भुगतान नहीं किया जाता है। ऐसे में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को क्या दोहरी नीति करनी चाहिए, क्योंकि जिस तरह से मुख्यमंत्री के साथ में जो है पूरी बातें हुई, अभी तक जो है उनका जमीनी नहीं दिख रही है कि ज़मीन पर कितने पेमेंट मिल रहे हैं या फिर नहीं, क्योंकि लगातार जो है ये लोग पूरी तरह से जो है कुपोषण की सरकार जो है कही जा रही है, इस तरह से बन चुके हैं। और लगातार जो है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक तरफ कहते हैं कि शिक्षा को बिहार में सबसे ज़्यादा बढ़ावा दिया जाता है, लेकिन बिहार की हालत ऐसी हो चुकी है कि नीतीश कुमार अब जो है वित्त रहित को करेंगे या फिर नहीं, उनकी सोचना है। तो अभी तक के फिलहाल इतना ही, बने रहे रिपब्लिकन न्यूज़ पर। धन्यवाद। रिपब्लिकन न्यूज के साथ जुड़ने के लिए सब्सक्राइब बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें। नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए यहाँ बेल को दबाएं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें।